अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नेशनल फूड अथॉरिटी में जॉब्स आई हैं मर्द और ख्वातीन के लिए। शानदार जॉब्स इश्तेहार बराए खाली असामियां, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख्वातीन इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्म भी आपने कैसे फिल करना है आपको टोटल डिटेल बताने वाला हूं। आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। वेबसाइट है sejobcity.com, स्पेलिंग सुन लें sayjobcity, sejobcity.com। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री वीजो की इन्फॉर्मेशन के नीचे ही जब आप आएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स की आपके पास डिटेल आ जाएगी। रिपीट डेट यहीं पर बता दूँ, हम प्राइवेट सेक्टर्स की एवरी डे बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स की अपडेट शेयर करते हैं अपने चैनल्स पे, पे आप आके चेक किया करें। हमारे इस आपको वेबसाइट पे बहुत सारी सिटीज की जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आप देखें आपके लिए किस आप अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी जॉब्स 2020, इस पर क्लिक करते हैं। एलिजिबिलिटी साइट क्राइटेरिया सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। इसमें जब आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन सी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सारी पोस्ट मैंशन कर दी गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके अंदर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, जिनकी प्राइमरी से लेकर बी ए तक इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं, जिनकी एज लिमिट 18 से 25 साल है, और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 27/6/2020। आगे आ जाते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास हर पोस्ट के लिए, जब जूम इन करेंगे तो आपके पास पोस्ट वाइज की डिटेल आ जाएगी, कितनी कितनी सामियां और कितनी कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दरकार है। बात आ जाती है इसके फॉर्म की, ये फॉर्म इसका आ जाता है, आपने इसको डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद सिंपल फिल करना है और आपने इस एड्रेस पर यहाँ पर लिखे हुए को सेंड कर देना है। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर लाजमी करें और लोग भी आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।